हेलो गाइस, वेलकम टू तेजमंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डीसी और मार्वल से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। बात करेंगे जोस ब्रोलिन एक्टर के बारे में, जो कि एमसीयू में थैनोस का रोल प्ले करते हैं। देन उसी के साथ बात करेंगे केबल के बारे में, जो कि उनका फ्यूचर है एमसीयू में, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब से फॉक्स के रेड डिज्नी के पास आए हैं तो एमसीयू के पास काफी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि इतने बड़े एक्टर को लेकर दो कैरेक्टर कैसे संभालना, यानी कि फ्यूचर में थैनोस को भी लेके चलना है और केबल को भी लेके चलना है, जो कि रोल प्ले करते हैं हमारे जोस ब्रोलिन। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डीसी यूनिवर्स की। तो हाल ही में जो आप इमेजेस देख रहे हो, ये शज़ाम की डिलीट सीन की है, जो कि हटा दी गई थी मूवी से। देन उसी के साथ सुपरमैन की एक और डिलीट सीन नज़र आया है, जिसमें कि वो अपना कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और इसे ब्लैक करा जाना था, पर इस मूवी में ये सारे सीन चेंज कर दिए गए सुपरमैन से रिलेटेड। देन उसके साथ अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का, बैटगर्ल का। तो बैटगर्ल एक डीसी यूनिवर्स की मूवी है, जो कि आगे जाके बैटमैन मूवी से कनेक्ट होगी। इसे निकोलस ने पूरा पक्का मन बना लिया है डायरेक्ट करने का। अब पॉसिबली देखते हैं कि निकोलस इसे ऑफिशियली कब अनाउंस करते हैं, और जब अनाउंस करेंगे तो मैं आपको ये अपडेट दे दूंगा। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ बैटगर्ल नाइटविंग बैटमैन मूवी का। देन उसी से रिलेटेड अभी हाल ही में एक और अपडेट आया है, जो कि है फैंटास्टिक फोर का। तो फैंटास्टिक फोर का एक और आर्टवर्क नजर आया, जो कि काफ़ी कमाल का और रियलिस्टिक लग रहा है, और ये मैंने अपने फेसबुक ट्विटर पर भी डाल दिया है। देन उसी के साथ एक और अपडेट काफ़ी कमाल का, मार्क रफेलो ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हल्की बिहाइंड द सीन इमेजेस डाली है, जो कि CGI का कैप्चर सूट पहने हुए हैं और बड़ा सा चश्मा भी है उनके हाथ में हल्का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये देखने हैं तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं। देन उसी के साथ केविन फाइगी ने अपडेट दिया है कि वो जल्दी से जल्दी आयरन हार्ट वाली को स्टोरी को देखना चाहते हैं, और इसी से रिलेटेड अपडेट दिया था रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने पहले भी, वो भी चाहते हैं कि आयरन हार्ट वाली स्टोरी आए एमसीयू में। देन उसके साथ अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का, शांग-ची मूवी का। तो एक्वामैन के कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम करेंगे शांग-ची मूवी में, किम बार्टन, इनका ऑफिशियली नेम है, आप उनकी इमेजेस भी देख सकते हो। अब बात करते हैं केबल के बारे में। तो सभी जानते हैं कि केबल के राइट्स पहले फॉक्स पे थे, अब फाइनली फॉक्स के राइट्स सेल हो गए और डिज्नी ने परचेस कर लिए, और केबल और थैनोस ये दो कैरेक्टर हैं जो कि हमें एमसीयू में फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे कि थैनोस का क्या, तो थैनोस का तो करियर पहले से ही सिक्योर है, क्योंकि थैनोस अब यंग वर्जन में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हो मेरी वीडियो में, जो कि बिल्कुल एकदम कुपोषण का शिकार सा लग रहा है, मज़ा कर रहा हूँ। पर अब एमसीयू के हाथ में है कि वो केबल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे या थैनोस के ऊपर, पर थैनोस के 10 ईयर्स कन्फर्म है, और केबल का देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। और इसलिए उन्होंने मार्वल स्टूडियो में कॉल करा जोस ब्रोलिन ने केबल का फ्यूचर पूछने के लिए। ऑफिशियली अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। देन उसी के साथ आखिरी लास्ट अपडेट है, अगर आप डोरेमोन की यूनिवर्स की यात्रा फुल मूवी देखना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप जाके देख सकते हो। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पर थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।